नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। हिंदुस्तान में अगर सरकार ने कोई काम करना होता है तो खास बात ये होती है कि उसको किसी भी विज्ञापन में नेताओं के फ़ोटो जरूर होते हैं, और होर्डिंग्स अगर कहीं लगाए जाते हैं तो नेता सर्वोपरि है। हरियाणा की बात करें या फिर हिंदुस्तान की करें, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि कोई भी इससे अछूता नहीं है। जब पोस्टर्स लगाने की बात आती है तो उनके फ़ोटो बड़े बड़े दिखने चाहिए, और जो उनके सिप सलार होते हैं उनकी भी इच्छाएं यही होती हैं कि नेताजी का पोस्टर बड़े से बड़ा हो ताकि वो उनसे खुश हो जाएं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, दरअसल मैं इस वक्त थाईलैंड के बैंकॉक में हूँ, बैंकॉक एयरपोर्ट पर हूँ, और मैं पिछले 3 दिन से बैंकॉक में था। तो मैंने यह नोटिस किया कि आपको कहीं भी पूरे बैंकॉक में, पूरे थाईलैंड में किसी नेता का फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। अगर कहीं तस्वीर किसी की नज़र आएगी तो सिर्फ यहाँ के राजा की। थाईलैंड में इस वक्त वहाँ के जो 10वें राजा हैं उनका नाम महावज्रलोंगकरण है। थाई उन्हें रामा कहते हैं। वही राजा राम जिनके नाम का हमारे यहाँ हमारे आदि ग्रंथ रामायण में जिक्र है। ऐसा कतई नहीं है कि थाईलैंड में सिर्फ राजा का ही शासन है। ये जरूर है कि राजा सर्वोपरि है। वहाँ बाकायदा चुनाव होता है तथा प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इस वक्त थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चैन ओ चा हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड की सीनेट में 500 सदस्य भी हैं, कैबिनेट है और उनके मंत्री भी हैं। बावजूद इसके वहाँ किसी नेता का कोई पोस्टर अथवा होर्डिंग आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अगर कहीं किसी की तस्वीर नजर आएगी तो सिर्फ थाईलैंड के राजा की। और राजा की तस्वीर को सम्मान इस कदर मिलता है कि उन्हें किसी भगवान से कम दर्जा नहीं है। इसके ठीक विपरीत हमारे देश भारत के हर चौक चौराहे साल के 12 महीने नेताओं के पोस्टरों से अटे पड़े रहते हैं। हिंदुस्तान के नेताओं को इस बात से सीख लेनी चाहिए और जो पोस्टर्स की कवायद और रवायत है उसे बदलने के लिए तैयार होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जनता को काम करके दिखाएं, ना कि पोस्टर और होर्डिंग से अपना खुद का दिल बहलाएं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल रंग के बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि हर खबर, हर समाचार सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।